ऑब्वियसली ये बलदेव सिर्फ अपनी माँ के कहने पे कर रहा है क्योंकि अब उसके अंदर कोई फीलिंग्स बची नहीं है. बची है, डेफिनेटली बची हैं, बट अब उसे सिर्फ इग्नोर करना चाहता है. पत्थर दिल कहीं एक पत्थर दिल बन गया है वो. और बस हल्दी का सेरेमनी, हल्दी की सेरेमनी है इस बार शादी की. और वो फिर भी वीरा को वो देख लेता है कहीं खड़े हुए रोते हुए और बस दिल पिघल जाता है उसका. अब बलदेव की हल्दी अगर किसी और से ब्याह करने के लिए होगी तो वीरा की आंखों में तो आंसू होंगे ही ना. मैं नहीं चाहती कि बलदेव और सिमरन का ब्याह हो जाए. बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि मैं बलदेव से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है. बंदा गुस्से में कुछ भी कर देता है, एकदम बोलते हैं ना जट दिमाग, कि गुस्सा आ गया तो ठीक है उसको नहीं ब्याह करना है ना मुझसे, जा मैं किसी और से ब्याह करूँगा. मतलब ब्याह ना होकर गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया कि आज उसे शादी की कल किसी और से. डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वीरा से प्यार है ही अभी भी, वरना बार बार वीरा को पूछता नहीं रहता कि क्या हुआ वीरा, तू रो क्यों रही है. शक नहीं, मुझे तो यकीन है कि सिमरन बलदेव के लिए सही लड़की नहीं. सिमरन बलदेव के लिए क्या, उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी के लिए सही नहीं है. बहुत ही बनावटी है, झूठी है. न जाने जब से आइए कितने झूठ बोले होंगे, कितने दिखावे किए होंगे. मुझे तो शक है वो ऐसे बात भी नहीं करती. हम ऐसे कौन बात करता है. मैं तो पूरी कोशिश करूंगी. बहुत सारे बच्चों जैसे से आप पे खड़े कर चुकी हूँ. कभी ढोंगी बाबा भेज दिया, कभी ये, कभी वो, कभी फिलाना, कभी ठिकाना. सो अब कुछ मैच्योर सोचना पड़ेगा. आई होप सो शादी नहीं होए मेरी कि मैं वीरा के पीछे बहुत भागा हूँ, सारी मेहनत खराब हो जाएगी. वीरा